कहानी 31वीं। यीशु रा पानिया पर चलना। 5000 लोगों जो रोटी खाने के बाद यीशु ने अपने चेलिया जो किश्तिया पर जाने जो बोलिया। तिन्हें तिना जो किश्तिया री दूजी तरफ जाने जो बोलिया और आपू थोड़ी देरा जो तिथि रुकीगा। तब चेले चले गए और यीशु ने लोगों जो विदा कित्या भी से अपने घर जो जाओ। तिते बाद यीशु परमेश्वर री प्रार्थना करने जो एक पहाड़ा पर चलेगा। तिथि से कल्ला था और से आधी राति तक तिथि रहा। तिस समय चेले अपनी किश्तियाँ जो चलाई के जाने लग रहे थे पर आवातिनारी तरफ चली रही थी। बहुत रात होने पर भी से नदिया रे बिचे ही फंस रहे रहे। तिस समय यीशु ने परमेश्वर की प्रार्थना खत्म कीती और अपने चेले के वापस जाना शुरू कित्या। से किश्तियारी तरफ जाने खतर पानिया पर चलने लग्या। जब चेलिया ने तिसो देखा से बहुत डरी गए। तिने सोचा भई ये कोई भूत आ। यीशु जाना था भई ये डरी गए। तब तिने जोरक ने आवाज दे के बोलिया, डरो मत, ए आऊँगा। तब पतरसा ने यीशु जो बोलिया, हे प्रभु, जे ए तू आ तो मिंजो पानिया पर चली के तंगे आवने खतर बोल। यीशु ने पतरसा जो बोलिया, आ। जब पतरस किश्तिया ते उतरी गया तब यीशु के जाने जो पानिया पर चलने लग्या। पर जरा कर दूर जाय के तिने अपनी अखियां यीशु ते फेरी लिया और हवा तेज लहरा जो देखने लगीगा। तब पतरस डरी गया और पानी च डूबने लग्या। से चिंग्या, हे प्रभु, मिंजो बचा। यीशु ने तीसी समय तीसरा हाथ बढ़ाई के पकड़ी ला। तब तिने पतरसा जो बोलिया, तेरा भरोसा बहुत कम आ। आपू जो सुरक्षित रखने खातर ते माँ पर भरोसा कौने कित्या। तब यीशु और पतरस किश्ती पर बैठी गए। तब एकदम आवारा चलना बंद हुई गया। पानी री लहरा बंद हुई गया। चेलिया ने हैरान हुई कर यीशु रे पैर चिपड़ी गए। तब तिने तीसरे गुणगान किते और तिसो बोलिया, सच्ची तू परमेश्वर रा बेटा।